अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे सभी लोग। तो फिलहाल तो भाई अभी हम लोग तो ऐसे भी घर शिफ्टिंग कर लेंगे, तो भाई बिल्ली का बंदोबस्त करना है। तो भाई बिल्ली के लिए हम लोग वहाँ पे घर बना लेंगे कोने में ही, कि भाई बिल्ली वहाँ पर ही रहे, क्योंकि नीचे अगर छोड़ेंगे तो भाई उसको बिल्ली यहाँ छोड़ेंगे नहीं, मारा धाड़ी करेंगे, क्योंकि अभी ये छोटी है। तो इसके लिए तभी हम लोग यहाँ पे घर बना रहे कि भाई उसको उधर ही रख देंगे, उसके भाई जितना भी मच्छी और जो सामान जो है ना खाने पीने का उसको वहाँ पर रख के जाएंगे। तो बस अभी मेरा भाई आ गया, उसको बोलता हूँ वहाँ पर इसके लिए बना ले। तो अभी क्या करें, अभी इसको रख देते, अभी फ़ायदा नहीं करने का, पता नहीं अभी कभी जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो भाई इसकी बात भी सही है कि भाई अभी तक हमारा पता नहीं है कि इस महीने के कौन से एंड से जाए हम लोग, तो तभी अभी फिलहाल बिल्ली को यहाँ पे बंद करना सही नहीं है। तो हम लोग बाद में ही बंद कर देंगे, जब मतलब कि जाने लगेंगे ना तो तब मतलब बंद नहीं करेंगे, मतलब कि हम लोग यहाँ पे इसका घर बना लेंगे कि भाई जब भी कुछ खाएंगी पिएंगी तभी वापस अपने घर में चले जाएंगी, कि भाई नीचे नहीं घूमेंगी। जो बनाया था हमने, अरे हाँ वो जो घर तुम लोगों को शायद पता होगा, हमने कागज़ का घर बनाया था, वो भी घर को इधर ही ला के रख देंगे ना, कि वो सीधा उसमें ही चले जाए, क्योंकि अगर घर को हम लोगों ने अगर इधर उधर रखा तो यहाँ के जो जंगली बच्चे ना वो तोड़ देंगे इस घर को। तो तभी हम लोग क्या करेंगे, घर को ऊपर ला के ही रख देंगे कि वो सीधा उस घर के अंदर जाए, और वो घर भी ऐसा ना खुद का मतलब कभी कभी खुद ब खुद वो अंदर चले जाती है, आराम से बैठ जाती है। तो अभी तो फिलहाल तो हम लोगों ने इसको दूसरे वाले डब्बे में बंद किया हुआ है, जब तक घर का काम हो रहा होता ना भाई दोपहर का, तो हम लोग इसको बंद कर देते, क्योंकि अभी वो क्या करती है पिशी कर लेती है, पोटी कर लेती है बहुत, मतलब एक बार घर का काम हो जाए तो उसको भी छोड़ देते, फिर घूमती रहती पूरे घर में, मतलब कि ऐसे कभी कमरे में पिशी की तो नहीं है, वो डब्बे के अंदर ही करती है पोटी पिशी, दोनों डब्बे के अंदर करती है, डब्बे से बाहर नहीं निकलती, मतलब करती नहीं है ऐसा कोई, समझो कि है जंगली बिल्ली, मगर इसको बचपन से घर की आदत है ना, तो ये गंदगी बिल्कुल भी नहीं करती भाई, बहुत ज़्यादा गंदगी करती नहीं है। वरना हम लोग समझे थे कि भाई जंगली बिल्ली तो भाई गंदगी करेंगी ये करेंगी बहुत, मगर ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये मतलब कि बिल्कुल सही भी माशाल्लाह। अभी कितने होंगी होंगी, तकरीबन 6-7 महीने की तो हो चुकी होंगी, मगर इतनी बड़ी होगी माशाल्लाह 6-7 महीने की होंगी। उस टाइम जब आई थी हमारे पास तो तुमने शायद देखा होगा, इतनी मतलब कि कमज़ोर सी थी, इतनी कमज़ोर सी थी और बहुत ज़्यादा छोटी थी भाई। अभी जाके माशाल्लाह सही होगी, इसके बाल भी तुमने देखे बहुत चेंज हो, मतलब इसके बाल सफ़ेद हो गए, ये समझ नहीं आ रहा कि बुढ़ी होगी क्या होगी, बाल सफ़ेद हो गए इसके बहुत ज़्यादा। अब इसको चिकन बॉयल मिलता है और फिश मतलब बॉयल करके हम लोग देते हैं, क्योंकि कच्ची तो देती नहीं, वरना तो हम लोग को काटना शुरू कर देंगी तभी। अभी ये यहाँ पे डब्बे देखो ये रखे हुए, अगर अगर वो गत्ते के डब्बे में अगर ये यहाँ टिकती है तो सही है, वरना तो मैं सोच रहा था ये जो डब्बे देख रहे हो ना इसी को तोड़ के इसका पूरा घर का शेप बना के आगे का दरवाजे से तोड़ देंगे, मतलब कि हम लोग एक जैसे मैं सोच रहा हूँ ना ऐसा घर बना के रख देंगे कि भाई जैसे आएंगी बिल्ली इस घर के अंदर ही चले जाएंगी। सामान रखे हुए तो ये दोनों लकड़ियाँ, इससे सारा निकाल के सामान, उधर भी लकड़ियाँ पड़ी हुई है, और इसको इधर घर बना के दे देंगे। अब घर ऐसा बनाएंगे ना कि इधर से पैक, उधर से पैक, ऊपर से पैक होगा, मगर यहाँ से पैक नहीं होगा कि भाई बिल्ली आए अंदर जाए, मगर ऐसा बनाना है कि भाई नीचे के बच्चों को पता नहीं चले, वरना नीचे तुम लोगों को पता है ना बच्चे कैसे, नीचे वाले बच्चे ना भाई बहुत ज़्यादा मस्ती खो रहे हैं, हर चीज़ को छेड़ते हैं हर चीज़ को। जैसे हमारा सामान था यहाँ पे, और भी हमारे सामान थे, वो तो अभी हम लोगों ने नए घर में शिफ्ट कर दिए, तो पहले यहाँ पे जितने हमारे सामान पड़े हुए थे तो बच्चों ने क्या किया था, उसको खोल खोल के देखते थे कि अंदर क्या चीज़ है। अब इसको भी इन्होंने देखा था, इसके अंदर हमारे बर्तन पड़े हुए थे, तो उन्होंने क्या किया उस बर्तन को निकाल के नए घर में शिफ्ट कर दिए, मतलब वहाँ भेज दिए। तो अभी इस घर के इसके अंदर कपड़े ही पड़े हुए, मगर बच्चों के अंदर इतनी मस्ती, तभी इसको हटा के देखो मैंने क्या किया, इसको पूरे तरीके से रखा हुआ है कि भाई अगर कोई भी हटाएगा तो पता चल जाएगा, मगर बच्चे भाई बहुत ज़्यादा तेज़ है यहाँ के, वो क्या करते इसको उठाते पूरा चेक करते फिर वापस इसको सही तरीके से रखते, मतलब जैसे देखते कि जैसे पड़ा हुआ था इसी इसको वापस रख देते कि भाई पता ही नहीं चले कि इसको किसी ने छेड़ा भी था, मतलब इतने तेज़ है। और बाकी फ्रिज का डब्बा भी पड़ा हुआ है, ये जो नया फ्रिज खरीदा था इसका डब्बा भी रखा हुआ है, तो उसको इसी में पैक करके लेके जाएंगे, मगर अभी तो शायद इसमें चुपकलियाँ भी होंगी, वो तो छान के देखना पड़ेगा, तो मतलब अभी तो नहीं करे शिफ्टिंग, अभी तो टाइम है। तो मेरे भाई ने सही बोला, अभी करने का फ़ायदा नहीं है, अभी घर बनाने का पता नहीं चलता ना यार, उतने ज़्यादा कीड़े मकोड़े ना बहुत ज़्यादा भाई बहुत ज़्यादा, बच्चे आते खाते पीते वहाँ फेंक देते गंद कर देते बहुत ज़्यादा। अब जैसे कि ये देखो ये यहाँ के बच्चों ने क्या हालत की हुई है, ऐसा लगता है कि अलग से कचरा कुंडी बनी हुई है, छत में कचरा कुंडी पड़ी हुई है, मगर ये कचरा कुंडी है नहीं, इसमें सारे इन्होंने कचरा कुंडी बना दिया है, इसको इतना गंद कर दिया, पहले इतना गंद नहीं था बिल्कुल भी नहीं था, जब हम लोग नए आए थे हम लोग को पता था छत इतनी साफ थी, इतनी साफ थी ना, ये जो कोने कोने में तुम लोग मिट्टी दिख रही नहीं, मिट्टी थी भी नहीं, बहुत ज़्यादा साफ थी, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे केयर होता था ना भाई बहुत ज़्यादा, मगर अभी ये देख लो क्या हो गया भाई, छत को भी बहुत ज़्यादा यहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा भाई हालत बुरी हो चुकी है छत की। और यहाँ पे एक लाइट हुई करती थी, अभी भी है, मगर इस लाइट का भाई काम हो चुका है, ये नीचे वाले बच्चों ने आके भाई लाइट को पता नहीं क्या किया, तारे मारे तोड़ दी। और ये लाइट को तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो लाइट के ये हिलाव है भाई, अंदर से मेन जो इसके अंदर की लाइट होती है ना वो हिल चुकी है, अब क्या बोले भाई किसको बोले। तो भाई बिल्ली को भी यहाँ पे बड़ी बिल्ली को क्या
परिंदों के लिए भाई यहाँ पे मैंने जो हम लोग ने कल पुलाव खाए थे, वो खिचड़ी खाए थे, वो खिचड़ी रख दी है, पानी रख दिया, पानी तो कम हो गया, पानी दूसरा लेके आता हूँ, सब करो यार पानी कम हो चुका है। तो चलो भाई तो भाई इसके लिए पानी उठा लिया परिंदों के लिए, ये सामने नहीं खाते, जब हम लोग चले जाते ना भाई छुप छुप के आते तब खाते, डरते भाई सामने आने से। बाकी मौसम भी पूरा साफ साफ है भाई, बहुत ज्यादा साफ है मौसम। तो दोस्तों आज की इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो बस अभी नीचे चलते हैं भाई, हम लोग को भी थोड़ी बहुत अपने सामान पैक में करने, क्योंकि इंशाल्लाह निकलना है तो पहले से सामानों को रखना है, मतलब कि आधे ज़्यादा सामान हमारे पैक करके ही रखे हुए, मतलब कोई बॉक्स में कोई गठरी के अंदर, क्योंकि बस निकल जाएंगे भाई।